नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को लगाएं किस दिन किस चीज़ का भोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। माता के भक्त नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में पूजा के दौरान माँ के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से माँ अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किस दिन किस चीज़ का भोग लगाने से माता दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्ट दूर करती हैं। तो माता दुर्गा के 9 स्वरूपों और उनके मनपसंद 9 भोग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहली दिन हम पूजा करते हैं माता शैलपुत्री की। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोगों और हर संकट से मुक्ति मिलती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ के इस स्वरूप को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आयु लंबी मिलती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को पूजा जाता है। इस दिन माँ को दूध या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माता कुशमांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना अच्छा होता है। पाँचवें दिन माता को स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का वेद चढ़ाया जाता है, बहुत ही उत्तम होता है। ये नौकरी पेशे के लिए अच्छा होता है और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मीठा पान चढ़ाया जाता है, इससे सौंदर्य बढ़ती है। सातवें दिन नवरात्रि की माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आठवें दिन नवरात्रि की माता गौरी की पूजा की जाती है, महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन चने और हलवा का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।